हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम बना रहे हैं वो उपमा है, जो कि बहुत ही डिलीशियस है एंड आई थिंक सबका फेवरेट है। तो गाइस, ये जो उपमा होगा ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होगा, बिल्कुल रनी नहीं होगा, ये एकदम परफेक्ट शेप में हो जाएगा, ग्रैन्यूलेटेड, फुल ऑफ वेजीज, फुल ऑफ सीड्स विच इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑल दैट। सो चलिए हम देख लेते हैं कैसे बनेगा ये। यहाँ पे देख लीजिए गाइस, मैं इस उपमा में पम्पकिन सीड्स, पीनट डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं 200 ग्राम्स ऑफ सूजी एज वेल एज 1 हैंडफुल ऑफ वेजीज ले रही हूँ। तो गाइज चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने पैन में 2-3 टेबल स्पून लिया और इसमें मैं करी पत्ते डाल रही हूँ और इसमें मैं अब पम्पकिन सीड ऐड कर रही हूँ और मैं इसमें पीनट्स ऐड कर रही हूँ और इनको मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी इस ऑयल में। आप देख लीजिए, इसको मैं रोस्ट कर रही हूँ। गाइज आप पम्पकिन देख लीजिए, पम्पकिन इज़ फुल ऑफ ओमेगा 3 ओमेगा 6, इसमें फुल ऑफ न्यूट्रिशन मिनरल्स ये होते हैं एंड पीनट इज़ अगेन फुल ऑफ प्रोटीन और इसमें जिंक होता है, मिनरल होता है। तो चलो मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेट्स सी कैसा बनेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैं ऑलमोस्ट रोस्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद गाइस बारी आती है कुछ वेजीज़ की जो हम इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए, ये मैं वेजीज डाल दी इसके अंदर। अब इसको भी सॉटे करेंगे और इसको तब तक सॉटे करेंगे जब तक ये हल्का सा सॉफ्ट ना हो जाए। ये देख लीजिए, इसमें मैंने बीन्स डाले हैं, इसमें मैंने कैरेट डाला हुआ है। तो इसमें मैं 1 टेबल स्पून सॉल्ट ले रही हूँ एंड इसको फिर से सॉटे करूँगी मैं। ये देख लीजिए आप, सो ये हल्का सा सॉफ्ट हो रहा है एंड अब मैं इसको थोड़ा सा देख लेती हूँ, जब तक हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाता है इसको हम बिल्कुल हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे। इसको ढक के रख के आफ्टर 1 मिनट मैं इसको फिर से खोल के इसमें टर्मरिक डाल रही हूँ, इनफैक्ट डाल दिया है। सो मैं इसको फिर से सॉटे कर रही हूँ कुछ टाइम के लिए। सो आफ्टर दिस प्रोपोर्शन मैं इसमें सूजी अपनी ऐड कर रही हूँ। एक साथ नहीं डालना है आपको, ये स्प्रेड करके डालना है। ये डाल के मैं इसको फिर से सॉटे करूँगी फॉर सम टाइम, एटलीस्ट फॉर 1 मिनट। उसके बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसको मैं थोड़ा पकने दूंगी इस सूजी को, सो दैट ये भी भुन जाए इन वेजीज़ के साथ, इन सीड्स के साथ, सो दैट कि इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू और बढ़ जाए। ये मैं इसको ऐसे ही रखने दूंगी, एटलीस्ट फॉर 2-3 मिनट्स मैं इसको पकने दूंगी। अब आप देख लीजिए, 2-3 मिनट्स के बाद ये हल्का सा आपको दिख रहा है कि हल्का सा रोस्ट हो चुका है, जिसमें जो इसमें मैंने सूजी डाली हुई थी, वेजीज़ भी इसमें ब्लेंड हो रहे हैं एज वेल एज जो मैंने सीड्स पीनट्स वगैरह डाले हुए थे वो भी ब्लेंड हो गए हैं। आप देख लीजिए ऑयल इससे बाहर आ रहा है जो मैंने इसमें डाला हुआ था। सो इट्स अ परफेक्ट इंडिकेशन कि आपके जो सूजी है, आपकी जो वेजीज़ है, परफेक्टली पक चुकी है। सो गाइस इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, एक साथ पानी नहीं डालूंगी, अगर मैं एक साथ पानी डालूंगी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, इसलिए मैं एक आहिस्ते आहिस्ते इसमें पानी डालूंगी। सो एक बोल में मैंने हल्का सा डाल दिया एंड इसको मैं स्टोर करके कवर कर दूंगी। कवर करने के बाद एटलीस्ट 1 मिनट के लिए मैं इसको हटा के देख लीजिए, फिर से थोड़ा सा पानी डालूंगी एंड इसको स्टोर करके फिर से बंद कर दूंगी, इसको लिड रखूंगी फिर से एटलीस्ट फॉर 1 मिनट। अब आप देख लीजिए मैं इसको अच्छे से मिला रही हूँ एंड नाउ आई विल कवर इट अप अगेन फॉर 1 मिनट। 1 मिनट के बाद आप देख लीजिए ये बिल्कुल पक चुका है, इसमें मुझे और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, सो आई एम नॉट एडिंग इट। आप देख लीजिए मेरा उपमा बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ गया है, इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आ गया है, ग्रैन्यूलेटेड है, वेजीज भी अच्छे से पक चुकी हैं। सो यू कैन सी कि उपमा का टेक्सचर, इसका कलर कितना सही आ गया है। आई थिंक यू शुड गिव अ ट्राई गाइस एंड मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अपने व्यूज़ की हाउ वाज इट। अब मैं इसको थोड़ी सी शेप देने के लिए एक बॉक्स में डाल रही हूँ, सो दैट जब मैं इसको प्लेट पे निकालूंगी इसकी एक परफेक्ट शेप आ जाए। सो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा प्रेस कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ स्पून,
सो दैट ये अकॉर्डिंगली रेक्टेंगुलर शेप में प्लेटिंग मेरी हो जाए इसमें. सो इसको प्रेस कर रही हूँ मैं. सो प्रेस करने के बाद इसको मैं एक प्लेट पे निकाल रही हूँ. सो गाइस देख लीजिए कितना परफेक्ट बन गया, जिसमें मेरी सारी वेजीज दिख रही हैं, मेरे नट्स हैं और परफेक्ट उपमा बन गया है. गाइस देख लीजिए एंड टेस्ट कर लीजिए एंड मुझे बता दीजिए हाउ वाज इट. अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई आज की तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स का शेयर करना ना भूलें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.